आज बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले लेक्चर में, सेंट्रीपिटल फोर्स इससे पिछले वाले लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है बढ़िया आइंस्टीन, जिसे तुम सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, देखो ऊपर भी लिखा रहता है चैनल नेम बड़े आइंस्टीन। ठीक है, जहाँ पर मैं क्लास 9th और 10th की फिजिक्स को पढ़ाता हूँ। ओके, तो अगर जिन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ी है, तो इससे पहले इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में जाओ, लेक्चर नंबर 11 पर, वहाँ पर आप पहले सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ के आओ, तब जाके सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। चलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं डेफिनेशन जस्ट लिख रहा हूँ, उसे आप देख लेना, समझेंगे बाद में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, देखो क्या होती है, अ सूडो फोर्स। ठीक है, अ सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे नहीं समझे, अभी समझाता हूँ, डेफिनेशन देख लो। ठीक है, ये एक सूडो फोर्स होती है। ये क्या होती है, एक सूडो फोर्स होती है। सूडो फोर्स क्या होती है, सूडो फोर्स एक तरह की इमेजिनरी फोर्स होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, दिखती नहीं है लेकिन जो लेकिन महसूस होती है। ठीक है, देखो समझाता हूँ। देखो, जैसे कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हुआ करता था, अगर मैं किसी धागे से बांध कर अगर किसी स्टोन को घुमाता हूँ, धागे से बांधकर अगर मैं किसी स्टोन को घुमाता हूँ, तो स्टोन जो है अपनी अलग अलग पोजीशन पर आता रहता है, और हर पोजीशन पे जो स्टोन की डायरेक्शन जो होती है, वो स्टोन की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, टेंजेंशियली। ठीक है, अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती थी, जो क्या करती थी, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब घूमने की वजह से जो सर्कल बन रहा है, उस सर्कल के सेंटर पे एक फोर्स लगती थी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही हुआ करती थी जो सर्कुलर मोशन करवाती थी। ठीक है, बॉडी को। अच्छा, अब देखो, कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर ज़ीरो कर दूं, कहने का मतलब अगर मैं ऐसे 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 करके अगर चीज़ को घुमा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके अगर मैं चीज़ को घुमा रहा हूँ और अचानक से मैं छोड़ दूँ ऐसे करके, है ना, छोड़ दूँ, तो जो पत्थर है वो दूर जाके गिरता है ना, दूर जाके गिरता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया, जब मैं ऐसे ऐसे करके जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स जब उसे प्रोवाइड करवा रहा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी, तभी तो पत्थर जो है क्या कहते घूम रहा था। लेकिन सेंट्रीपिटल अगर फोर्स लग रही है, जो कि सेंटर की तरफ लगती है, तो पत्थर घूम रहा है वो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स लग रही है, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स उसे खींच क्यों नहीं पा रही। मतलब कि ये जो अगर इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर खड़ा होकर अगर कोई इस पर फोर्स लगा रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये पत्थर इधर क्यों नहीं आ रहा भाई। फोर्स का मतलब तो ये होता है कि सेंटर पे लगने वाली फोर्स सेंटर पे पकड़ के ऑब्जेक्ट को कोई खींचता है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे क्यों नहीं आ जाता। इसलिए नहीं आता क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगती है, जैसे यहाँ पर पत्थर है
तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो अभी हमने अभी अभी पढ़ी है। एक सूडो फोर्स, एक सूडो फोर्स, ठीक है, या फिर एक इमेजिनरी फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स जो कि दिखती नहीं है बट महसूस होती है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स कैसी होती है? ये फोर्स रेडियस के या फिर सेंटीपेटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सेंटीपेटल फोर्स कैसी लग रही होगी? ऐसे। सेंटीपेटल फोर्स कैसी लग रही होगी? इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी। और ये फोर्स ही होती है जो पत्थर को जो पत्थर को या फिर जो भी बॉडी मूव कर रही है उसे सेंटर की तरफ नहीं आने देती। अरे बैलेंस फोर्स कंडीशन, बैलेंस फोर्स लग रही है, बात आ रही है ना। अरे अगर इस पेन को मैं इधर खींचूं और उतने ही मैग्नीट्यूड से इधर खींचूं तो ये अपनी जगह पे ही तो रहेगा, बताओ। बेशक ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, लेकिन सेंटर पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रही हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे करके फोर्स लग रही है ना। ये इसे खींच रही है सेंट्रीपेटल फोर्स और इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खींच रही है दूर की तरफ, तो ये क्यों आएगा चिपक के? इसीलिए वो सर्कल में घूमता रहता है और सर्कल में ही घूमता रहता है। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स ही होती है जो सेंटर की तरफ नहीं जाने देती ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान, क्योंकि एक अपोजिट फोर्स भी लग रही है उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं। अगर एक बड़ी हो एक ज़्यादा हो तो भाई या तो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाएगा या फिर बाहर जाएगा, बताए समझे। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मुझे जाननी है कि भाई इसे मैं कैसे पहचानूं, तो देखो पहली बात तो आप यहाँ से जान ही गए हो सेंट्रीपेटल फोर्स को। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप जान ही गए हो कि भैया पत्थर इधर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो पत्थर को इधर नहीं आने दे रही, ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है तो फिर पत्थर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ क्यों नहीं जा रहा, ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रही है। अरे बॉडी पर दो तरह की फोर्स लग रही है ना, जो कि सेम मैग्नीट्यूड की है ना, ना पत्थर इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, घूम रहा है सिर्फ, बात आई समझ में। सेंट्रीपेटल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है या फिर सेंटर से दूर होती है, सेंटर से दूरी तो होती है। अच्छा, इमेजिनरी फोर्स क्यों कहते हैं? इमेजिनरी फोर्स या फिर सूडो फोर्स क्यों कहते हैं इसे? सूडो फोर्स का मतलब होता है नकली या फिर इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी या फिर सूडो फोर्स ऐसे क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें सेंट्रीपेटल फोर्स दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर तो धागा है, धागे की, और धागा कैसी किस तरह से एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह से, लेकिन बाहर तो नहीं दिखाई दे रहा ना कोई धागा वागा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसीलिए से सूडो फोर्स कहते हैं, इमेजिनरी फोर्स कहते हैं। अच्छा, जब आप धागे को छोड़ते हो, कहने का मतलब धागा जैसे ही आपने छोड़ा तो आपने सेंट्रीपेटल फोर्स को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब जैसे ही यहाँ की फोर्स जीरो हुई तो उस पर केवल एक ही फोर्स बची जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहाँ से तो कनेक्शन ख़त्म। इसलिए तुमने कभी भी देखा होगा जब भी तुम धागे को एकदम से छोड़ते हो तो पत्थर दूर जाके गिरता है, और किस डायरेक्शन में गिरता है? जहाँ से आपने छोड़ा होगा, मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ से रेडियस कैसे बन रहा था ऐसा, जैसे ही आप छोड़ोगे ना तो रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेंटर से दूर जाएगी बॉडी एकदम ऐसे करके पैरेलल। अगर बॉडी यहाँ पर है तो सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, और इसका रेडियस ये रहा रेडियस या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, जैसे ही छोड़ोगे तो इसके अपोजिट में चली जाएगी बॉडी, एकदम सीधी जाती है, घूम के नहीं जाती है, लगता होगा घूम के गई है लेकिन घूम के नहीं जाती, सीधी जाती है एकदम सेंटर से अवे जाती है बॉडी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स तो जीरो हो गई लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लग रही है उस पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो रेडियस से अवे एक्ट करती है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी दूर मूव करती है, ठीक है। अच्छा, बात आ गई समझ में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी, मतलब ये दोनों फोर्स ना पेयर्स में काम करती हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी अलग से नहीं लगती है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, बात आ गई समझ में। ये तभी महसूस होती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है भैया कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, मैं आपको बताता है, जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये जो डॉट है, ठीक है। अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया हमारा सन और ये हो गई हमारी अर्थ। ये बताओ, ये घूम रही है ना, ये अर्थ जो है घूम रही है। ये हो गया हमारा सन और ये हो गया हमारी अर्थ। बहुत सारे अर्थ ही नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि सन क्या लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सेंटर पर खड़ा होकर अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो सेंटर की तरफ बॉडी क्यों नहीं जा रही? तो अभी हमने समझा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है उस पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लग रही है जो जाने ही नहीं दे रही दूर, जो जाने ही नहीं दे रही दूर, बात आ रही सर ना। तो इसीलिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स हो गए, ये आपस में टकराते नहीं हैं, सन की तरफ कोलाइड नहीं करते हैं, सन से चिपकते नहीं हैं। जितने भी प्लैनेट्स जो सन के चक्कर लगा रहे हैं ना, सन की तरफ नहीं जा पाते, लेकिन सर्कुलर मोशन करते हैं। सन की तरफ क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि प्लैनेट्स पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है जो सर्कुलर मोशन करवा रही है, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो फिर भी तो है तो खींचने वाली फोर्स है, तो सन की तरफ कोलाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्लैनेट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है जो रिस्पॉन्सिबल है कि प्लैनेट्स इससे ना चिपके, है ना। बात आई समझ में? तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। डेफिनेशन भी देख लो अभी एक बार। अब मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, अ सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट होती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर मूव होती, ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, ऑन एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से दूर। कब होता है ऐसा? ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के दौरान, समझ गए। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।